राम श्री वृंदावन वासी है। उसी तरह जो ब्रजधाम जिस समय श्री नंद बाबा ने मनोति रखा था, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म है जाएगा तो सारे तीर्थ हम दर्शन करने जाएंगे। अभी कृष्ण का जन्म हो गया तो नंद बाबा ने देखा, मैंने मनोति रखा था सारे तीर्थ जाने के लिए। जब कृष्ण थोड़ी सी बड़े हुए, बोले लाला हमने ऐसे ऐसे मनोति रखा था, तो जन्म होगा तो सारे तीर्थ करने जाएंगे, चलो हम चाहते हैं समस्त तीर्थ करके आए। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं कि ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो ये चाहते सारे तीर्थ जाने के लिए, सारे तीर्थ तो मेरे चरण में और सारे तीर्थ तो ये ब्रज में ही सारे तीर्थ है, ये कहाँ तीर्थ करना जाना चाहते हैं। बोले बाबा आ जाओ, सारे तीर्थ तो ये ब्रजधाम में। बोले कहाँ पर? बोले मेरे साथ में आओ, नियम है बेटा जब बड़ा हो जाता है पिता माता को सारे तीर्थ कराते हैं, आओ मेरे साथ में। तो उनको लेकर काम्य वन में आए और सारे ब्रजवासियों को बोले सबके सब हाथ जोड़ करके सारे तीर्थों का स्मरण करो। स्मरण करते ही जितने केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण शिला लक्ष्मण झूला और देव सरोवर मान सरोवर, ये जितने सारे सरोवर सबके सब यहाँ पर प्रकट हो गए। प्रकट होने पर सारे तीर्थ नंद कृष्ण ने सारे तीर्थ को उन्होंने अपना ब्रजवासियों को कराया। इसलिए यहाँ पर जो है ये आदि केदार, केदारनाथ मतलब होता है ये श्री शंकर जी है, ये शंकर जी मूल शंकर यही है और जगत में जितने स्थान है सबके सब उनके अंश है। हम यहाँ आ गए मतलब है पृथ्वी का सारे तीर्थ में हम लोग आ गए, फिर हमें और कहीं जाने का हमें जरूरत नहीं, हमारे सारे तीर्थ हम लोग। मेरा दे दो। बोले श्री केदार, श्री बद्रीनाथ की, बोले लक्ष्मण झूला की, बोले देव सरोवर की और सारे तीर्थ की, पिता गौर प्रेमानंद। नाथ में बैठी करके सारी कथा को ही पर बैठ करके श्रवण करें। पिताई गौर प्रेमानंद। चलो 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 फोटो खींचने भाई के मोटे भाई रही हो। सर ऊपर मत करना, चोट लगेगा सर में। हम लोग उल्टा परिक्रमा के इधर से पर चोट लगेगा, चोट लगेगा सर में, सर में चोट लग गए। ओके नो 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 जल्दी निकलो बाहर, क्या हो रहा है, जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो निकलो, उल्टा नहीं गिरेगा तो कहा जाएगा, बता दे।